नमस्कार, आप देख रहे हैं एसईओ न्यूज। साबिया एयरपोर्ट के बाद गोपालगंज को एक ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर गोपालगंज के लोग खुशी से झूमने लगेंगे। बता दूं, गोपालगंज को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में पटना के अलावा गोपालगंज में भी आयुष हॉस्पिटल को बनाने को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 6,40,00,000 रुपये भी गोपालगंज जिला प्रशासन को आवंटन कर दिए हैं। यह जानकारी गोपालगंज के जदयू सांसद व जदयू पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दी है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि उनके प्रयास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के बाद गोपालगंज को यह सौगात दी है। आयुष मंत्रालय के द्वारा गोपालगंज में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। यह हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड होगा। यहाँ पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा सहित अन्य माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाएगा। सांसद ने कहा कि सदर प्रखंड के भितभारवा गांव के मिशन के पास जमीन के तलाश कर ली गई है। इस जमीन को मंजूरी के लेकर बिहार सरकार को पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने तत्काल 6,40,00,000 रुपये आवंटन भी कर दिए हैं। बिहार सरकार से मंजूरी मिलते ही यहां पर 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं, 5 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव को लेकर गोपालगंज में विशेष तैयारी की जा रही है। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सदर हॉस्पिटल थावे हतुआ सिद्धवलिया के झाझवा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मीरगंज के छाप में पहले से ही एक ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड के सदर हॉस्पिटल में पीसीए 1000 कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना के थर्ड वेव के लेकर गोपालगंज में किसी को परेशानी ना हो, इलाज के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बता दूं, अगर आयुष हॉस्पिटल बनने के बाद विकास के मामले में सिवान बहुत पिछड़ जाएगा। ताकि आलोक कुमार जब से सांसद हुए हैं तब से विकास के कार्यों के लेकर प्रतिबंध है। लगातार अपने प्रयासों से हाल ही में साबिया हवाई अड्डे बनवाने का मंजूरी भी ली है।